तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। इससे ट्रेपेजियम इस तरह का होगा, ठीक है। ए बी सी डी इससे बोल रहा है कि ये पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो स्मॉलर वाला को अगर हम लोग एक्सलेट करेंगे तो ये जो दिया हुआ है इसका बड़ा वाला जो होगा ग्रेटर वाला वो छोटा वाला से 4 सेंटीमीटर अधिक है। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग एक्सलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x+4। और डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। एरिया भी दिया हुआ है तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से शॉर्टेस्ट साइड हाइट दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू एक्स मीटर देन लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट साइड इक्वल टू हो जाएगा इससे शॉर्टेस्ट वाला से 4 सेंटीमीटर अधिक है, दैट इज ये हो जाएगा x+4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज एच डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज साइड्स। तो इसमें से लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एक तो है एक्स और ये सेकेंड वाला जो ग्रेटेस्ट है वो x+4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। एरिया इसमें से दिया हुआ है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x+x 1/2 2x+4 इंटू 19 सेंटीमीटर। 1/2 इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x+2 इंटू 19 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 475 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 19 सेंटीमीटर इक्वल टू x+2। इसको कैंसिल करेंगे तो 19 2 जा 38 बचा 9 95, 9 95 जा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर इक्वल टू x+2 तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर दैट इज 23 सेंटीमीटर x इक्वल टू। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट साइड इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस फोर, दैट इज 23 प्लस 4, दैट इज 27 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका साइड, एक तो हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल टू आ गया 23, और इसका वैल्यू जो आ गया x प्लस 4 का वैल्यू हो गया ये 27। राइट आंसर ये और ये आंसर हो जाएगा।